नमस्कार, मैं हूं प्रवीण सहानी और आप देख रहे हैं राजनीति। जाति की बीमारी ऐसी है कि राजनीति को छोड़कर जाति नहीं, आखिर इसी के सहारे तो सियासी बिसात बिछी है। बीजेपी ने डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला, लेकिन उनके ब्राह्मण समर्थकों को यहाँ कुछ और ही नजर आने लगा। पोस्टर में महेंद्र नाथ पांडे को परशुराम बना दिया। आखिर समर्थकों की नजर में ब्राह्मण शिरोमणि बने महेंद्र किसका श्रृंगार करेंगे? ब्राह्मण कार्ड से तैयार की जातिवाद की समी, महेंद्र नाथ पांडे का परशुराम अवतार। बनारस में बोया ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद का बीज। बीजेपी ने यूपी की कमान महेंद्र नाथ पांडे के हाथों क्या सौंपी, नया विवाद का बीज पड़ गया। महेंद्र नाथ पांडे कब परशुराम हो गए पता ही नहीं चला। कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना की तर्ज पर महेंद्र नाथ पांडे का एक पोस्टर आया, जिसमें उन्हें महर्षि परशुराम की वेशभूषा में दिखाया गया। इशारा साफ था, ब्राह्मण स्वाभिमान के नाम पर निशाना कहीं और ही साधा गया। परशुराम के सहारे ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का शिगुफा छोड़ दिया गया। बीजेपी में ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय का शिगुफा, परशुराम बने महेंद्र करेंगे किसका विनाश? ये पोस्टर देखिए, महेंद्र नाथ पांडे के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने के लिए जारी किए गए। बनारस कचहरी के अलावा दूसरे इलाकों में सड़कों के किनारे ये पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में डॉक्टर पांडे को ब्राह्मण शिरोमणि बताते हुए उन्हें परशुराम जैसी वेशभूषा में हाथ में तीर धनुष और कमल तक दिखाया गया। जय परशुराम महाराज के साथ नीचे लिखा है, अब होगा विरोधियों का संहार। यहीं से विवाद शुरू हो गया। आखिर महेंद्र नाथ परशुराम दिखाकर किसका संहार करने की बात कही जा रही है? क्या ब्राह्मण क्षत्रिय विवाद का बीज बोया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पर धर्म पर आधारित पार्टी है और अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं। ये पोस्टर उस अलोकतांत्रिक आचरण का सबसे बड़ा नमूना है। कम से कम मोदी और योगी को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि वो लोकतंत्र में हैं। परशुराम अगर उनको बनाया गया है, अगर वो परशुराम के करेक्टर में आए हैं, तो मुझे लगता है कि दलितों और पिछड़ों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। परशुराम ने किसका संहार किया था? मुझे लगता है सबसे ज्यादा सुरक्षा तो बढ़ानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को अपनी और उनकी बिरादरी के लोगों की, क्योंकि परशुराम ने, जितना हम लोग परशुराम का इतिहास जानते हैं, उन्होंने किसका विनाश किया है ये सब लोग जानते हैं। ये तो उनकी पार्टी का मामला है, उनके लोगों का मामला है कि कौन किसका विनाश करेगा और कौन अपनी रक्षा करेगा। ये परशुराम तो ब्राह्मण कुल शिरोमणि थे और उन्होंने उस समय जो आतताई थे उनका नाश किया था, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं को ये हो कि जो लोग अधर्म कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका विनाश किया जाए, इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तौर पर लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 6 सितंबर को बनारस आएंगे। उससे पहले इन पोस्टर से विवाद शुरू हो गया है। अब बीजेपी पदाधिकारी इससे पल्ला झाड़ रहे हैं। समाचार प्लस। सियासत में संवेदना खोजना ऐसा हो गया जैसे रेगिस्तान में राई का दाना खोजना। सुरेश खन्ना सूबे के संसदीय कार्य मंत्री हैं, शहरी विकास का भार भी है और शाहजहांपुर से 8वीं बार विधायक हैं, लेकिन लगता है शाहजहांपुर के लोगों से उनका कोई सरोकार ही नहीं। जब एक ही गांव में दर्जन भर बच्चों की मौत से शाहजहांपुर सिसक रहा था, उस समय मंत्री जी शाहजहांपुर में ही जिम का फीता काट रहे थे। जान जाए पर जिम ना जाए, संवेदनहीनता पर उतरे योगी के मंत्री, फीता काटने के लिए फुर्सत ही फुर्सत, मरते बच्चों से मिलने का वक्त ही नहीं। इधर मौतों से माता, उधर जिम में जश्न, क्या गांव में नहीं जाते शहरी विकास मंत्री? गोरखपुर बच्चों की मौत से कोई अनजान नहीं है, कुछ ऐसा ही हाल शाहजहांपुर में। दर्जन भर बच्चे एक ही गांव में मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन सियासत को उनसे कोई सरोकार ही नहीं। सदर सीट से विधायक सुरेश खन्ना योगी सरकार में बड़े मंत्री हैं, संसदीय कार्य के साथ शहरी विकास भी देखते हैं, लेकिन गांव में जाने से मुंह चुराते हैं। सवाल तब बड़ा हो जाता है जब मंत्री उसी दौरान जिम का फीता काटते नजर आते हैं।
यूपी के कैबिनेट मंत्री शाहजहांपुर में जिम का विज्ञापन और उद्घाटन करते और जिम में कसरत करते नजर आए, लेकिन मर रहे बच्चों से उनका कोई सरोकार नहीं है। जिम का बखान करते मंत्री से जब पूछा गया कि गांव कब जाएंगे, तो ऐसे भौचक्के रह गए और जवाब देते ना बना। उनके लिए सवाल ऐसा था जैसे कबाब में हड्डी आ गई हो और जिम का मजाक किरकिरा हो गया हो। बोले, प्रोग्राम बनाते हैं और मंत्री जी को खींच से बचाने के लिए पीछे खड़े लोग ताली बजाने लगे जैसे बड़ा तीर मार दिया। गाँव है जलालाबाद में, जलालाबाद तहसील में, तो वहाँ आप कब जाएंगे? वहाँ लगातार बच्चों की मौतें हो रही बुखार से। बनाते हैं प्रोग्राम, लगातार वहाँ मौतें हो रही है, एक बार एक बुखार के बच्चे की, तो वहाँ आप कब जाएंगे? बनाते हैं प्रोग्राम। मैंने कहा शहर से महज 35 किलोमीटर दूरी पर जलालाबाद के गोला ज्ञानपुर और मनोरथपुर गांव में मातम पसरा है और मंत्री जी प्राइवेट जिम के कसीदे पढ़ रहे हैं। लोगों में मंत्री की संवेदनहीनता को लेकर नाराजगी है। 11 बच्चों की मृत्यु के बाद भी हमारे माननीय मंत्री जी को सत्ता में चोर जो कि यहां पे अभी तक एक बार भी यहां उन्होंने बच्चों को देखना और उनके परिवार से मिलना भी उचित नहीं समझा। वो तो अपनी खाली पुष्टि और सत्य के नशे में चूर होकर शाहजहांपुर से सिर्फ लखनऊ की और लखनऊ से सिर्फ दिल्ली की ओर देखना जानते हैं। इसके अलावा पब्लिक मरे या जिए उससे कोई मतलब नहीं किसी का। भरतपुर सरसोबारी में 11 बच्चों की मौतें हो चुकी हैं और हमारे जिले के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी अभी तक देखने नहीं आए हैं, जबकि सभी क्षेत्रवासियों को माननीय खन्ना जी से काफ़ी उम्मीदें लगी हुई थी। हम लोगों की खन्ना जी से बहुत उम्मीद थी, जो कि प्रदेश सरकार में बहुत बड़े मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बगल में बैठते हैं और उन्होंने कोई ना आए अभी तक, ना किसी की कोई मदद की, ना कोई कैंप लगवाया, ना कोई कार्य किया। गोरखपुर में बच्चों की मौतों के बाद सूबे के मुखिया तक अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर वाले मंत्री जी 20 मिनट की दूरी वाले गांव जाने के लिए अभी प्रोग्राम ही सेट कर रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कितने मासूम बच्चों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। फर्रुखाबाद में फिर एक नया मामला आ गया जहां ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चे मर गए। और जहां की आप बात कर रहे हैं, एक गांव में अगर इतने बच्चों की मौत हो जाए और सरकार का मिनिस्टर वहीं जिम का उद्घाटन करते फिरे, अपना स्वागत कराते फिरे, तो इस सरकार कितनी संवेदनहीन सरकार है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सुरेश खन्ना जी जाएंगे और सुरेश खन्ना जी ने वहां डीएम वगैरह को निर्देशित भी किया है कि ये मौतें जो बच्चों की हुई, असामयिक मृत्यु किस वजह से हुई है उसकी जांच करके, और अगर कोई उसमें चिकित्सीय कमी है या किस तरह की कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। और खन्ना जी निश्चित रूप से उनका क्षेत्र वो जाएंगे तो बहुत सारी जिम्मेदारी है, वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये निर्देश दिया है स्थानीय प्रशासन को कि ये घटनाएं कैसे हुई उसको कैसे भविष्य में ना हो ठीक किया जाए, इसके लिए उन्होंने निर्देश दिया। आखिर सियासत इतनी संवेदनहीन क्यों हो रही है? मंत्री जी के पास जिम में गुजारने के लिए वक्त है, फीता काटने की फुर्सत है, लेकिन मरते बच्चों के घर जाने का वक्त नहीं। शाहजहांपुर से समाचार प्लस के कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। लोधी समाज ने अधिकतर मौकों पर बीजेपी का खुले दिल से समर्थन किया है, लेकिन अब बीजेपी के एक सांसद और यूपी सरकार के एक मंत्री लोधी समाज को बीजेपी के खिलाफ ही लामबंद करने में लगे हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी तो कार्यक्रम में सीएम और पीएम के आदेशों की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। जिन कल्याण सिंह का गुणगान मंत्री जी कर रहे हैं उनसे भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। लामबंद लोधी बनेंगे बीजेपी के विरोधी, सरकार के खिलाफ सांसद का शक्ति प्रदर्शन, सिंचाई मंत्री का भी जागा जातीय स्वाभिमान, जात पात के चक्कर में दे डाली सरकार को चुनौती। निजी स्वार्थ कहे या समाज का स्वाभिमान, सांसद मुकेश राजपूत और मंत्री धनपाल फर्रुखाबाद माहौल बनाने में जुट गए। जातीय भावनाओं के बहाव पूरे समाज में उबाल ला दिया और लोधी समाज को लामबंद कर अपनी ही सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करने लगे। बीजेपी सांसद का साथ देने सिंचाई मंत्री धर्मपाल पहुंचे और 18 सजातीय विधायकों को भी साथ ले आए। एसपी दयानंद के खिलाफ लामबंद लोधी, सांसद पुत्र की पिटाई के बाद जाति का सहारा,
निजी आन को समाज के स्वाभिमान से जोड़ रहे सांसद। जब तक रोहित कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहा था, तभी तक भाजपा उत्तर प्रदेश में सरकार में रही थी और तभी तक भाजपा केंद्र में सरकार में रही थी। और जब से भाजपा से रोहित समाज ने अपना कंधा हटाया तो भाजपा कहां रही है हमें बताने की जरूरत है। धनपाल के सामने योगी सरकार को धमकी, सिंचाई मंत्री के आगे सरकार की खिंचाई। लोधी समाज कभी किसी से झुकता नहीं, बिकता नहीं। लोधी समाज ने आज हुंकार भरी है कि प्रशासन को, मंत्री जी को भी हम बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि लोधियों को छेड़ना बंद कर दो। इसी बीच सांसद मुकेश राजपूत को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की याद आ गई और सीधे सीधे अपनी सरकार पर सवाल उठा दिए। यहाँ तक कि लोकसभा से इस्तीफे की धमकी भी दे डाली। जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय सम्मान स्वयं दूसरा था, आज आपका मान सम्मान दूसरी तरीके से लोग देखते हैं। हमें अब परवाह नहीं करनी है कि हम सरकार में हैं, यदि थानेदार हमारे लोगों की बात नहीं सुनता है तो थाने की सीट बजा देंगे। मेरे तो मन में एक विचार ये भी आया था पार्टी के बंधन में बने रहने से अपने परिवार और अपने बेटे की रक्षा नहीं कर सकता हूँ तो मुझे इस्तीफा लोकसभा से दे देना चाहिए। साथियों, एसपी का ट्रांसफर कराने फरुखाबाद पहुंचे धनपाल, मंच पर सुनाए कमरे में क्लास लगाने के किस्से। मैंने डीएम से कहा, एसएसपी से कहा, बहुत बढ़िया। फरुखाबाद में बीजेपी की सरकार रहते बीजेपी का जिला उम्मीदवार चुनाव हार गया और लोधी समाज की महिला ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसी को लेकर सिंचाई मंत्री, डीएम और एसपी पर भड़क गए और मंच पर इसके लिए अपनी पीठ भी थपथपाई। सच में मैंने डीएम से कहा, एसएसपी से कहा, बहुत हो गया। हम सरकार में हैं, हमारा जिला पंचायत का अध्यक्ष हार रहा है, हम सरकार में हैं, ब्लॉक प्रमुख का पद जा रहा है, कोई मतलब नहीं। अरे गुंडों को हटाना है, अच्छे लोगों को लाना है, गुंडे फिर नहीं आ जाएंगे तो कानून का राज कैसे स्थापित होगा, इंसाफ का राज कैसे आएगा। मैंने कहा साहब था, फरुखाबाद की माफियागिरी बंद होनी चाहिए, भूमाफियाओं को जेल में जाना चाहिए, जिन्होंने भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए लोगों की जमीन पर वो कब्जे वापस होना चाहिए, ये आदेश करके लाया। सरकार के खिलाफ लोधी समाज को लामबंद करने के कार्यक्रम में पहुंचे धनपाल ने सीएम और पीएम के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने निर्देश दिया था बुके की बजाय बुक और एक फूल दिया जाए, लेकिन धनपाल ने बुके के साथ महंगा गिफ्ट भी लिया जिसे सरकारी खजाने में जमा करने का जिक्र नहीं किया। जिन पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तारीफ करते हुए धनपाल और मुकेश राजपूत नहीं थक रहे थे, उन्होंने भी पीएम मोदी का स्वागत एक फूल से किया था, लेकिन उन्हीं से सीखने को भी धनपाल तैयार नहीं है। श्री धर्मपाल सिंह जी सत्ता के नशे में जिस तरह का आचरण कर रहे हैं ये पूरी तरह से अशोभनीय है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जो जाति और धर्म के आधार पर अपने को सत्ता नशीन करने में सफल रही है, उसके अधिकतम मंत्री मुख्यमंत्री की बात न तो मान रहे हैं और न मुख्यमंत्री की साख इतनी है कि जिससे वो डरे। वो कहीं ना कहीं अपनी उसी जातीय मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। देखिए, मैं इस पे क्यों लिए कह सकता हूँ कि सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म किया है, लेकिन इन सरकार के मंत्रियों को, सरकार के विधायकों को और उनके सांसदों को अगर उनके क्षेत्र में देखिए तो कितनी कितनी गाड़ियों से चल रहे हैं, हूटर बजा के चल रहे हैं। अब अविश्वास अगर उनके लोगों का आ गया है
तो स्वजाती सम्मेलन में उसका जिक्र कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये तय करे कि वो राष्ट्रवाद पे बात करती है या जातिवाद पे बात करती है। सवाल यही है, बिन मौसम स्वाभिमान सम्मेलन के क्या मायने? लोधियों को सरकार के खिलाफ क्यों लामबंद करना चाहते हैं धनपाल और मुकेश राजपूत? साथ ही सीएम और पीएम के आदेशों की कब तक धज्जियां उड़ाते रहेंगे सूबे के सिंचाई मंत्री? फरुखाबाद से समाचार प्लस के लिए अनिल वर्मा की रिपोर्ट। सिंचाई मंत्री धर्मपाल का रिकॉर्ड अब उनके विभाग के अधिकारी तोड़ने को बेताब हैं। बाराबंकी में तो जमकर बंदरबांट हो रही है, कटान रोकने के नाम पर अफसर मलाई काट रहे हैं और मीडिया को अकड़ भी दिखा रहे हैं। आखिर मंत्री जी जो कह चुके हैं कि मुझसे ऊपर विभाग में कोई भी नहीं है, अब मंत्री जी से खुली छूट मिल गई है तो कैसा डर? विभाग पर भी चढ़ धर्मपाल का रंग, मंत्री के पद चिन्हों पर सिंचाई विभाग के अधिकारी। बाराबंकी में सिंचाई विभाग का पीली ईंट का पाप, सिंचाई विभाग में बढ़ रही अधर्म की रेवड़ी। सांसद और विधायक के करीबी कर रहे ठेकेदारी। लग रहा है सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर मंत्री जी का रंग चढ़ गया है। मंत्री जी की परछाई पूरी तरह अधिकारियों पर पड़ चुकी है। जब धर्मपाल अधर्म से नहीं सहम रहे तो अधिकारियों को किसका डर? मंत्री जी भी कह रहे हैं विभाग में मुझसे बड़ा कौन है। सिंचाई विभाग आपके साथ है, सिंचाई विभाग आपका है, किसी और का नहीं। ऐसा है, खाली नारा लगवाने से जिंदाबाद गुनवाने से कोई औचित्य नहीं है। हमने शासन में हमसे बड़ा सिंचाई विभाग में किया है। अब जब मंत्री जी आश्वासन दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं, तो चिंता कैसी? बाराबंकी की सिरौली गौसपुर तहसील इलाके में खागरा नदी की बाढ़ से सनावा गांव कटान रोकने के काम पर खूब बंदरबांट हो रही है। बिना ई टेंडरिंग के करोड़ों का ठेका स्थानीय बीजेपी विधायक शरद अवस्थी और सांसद प्रियंका सिंह रावत के करीबियों को दिया जा रहा है और मानकों को मुंह चिढ़ाकर पीली ईंट के सहारे पाप हो रहा है। जो काम जियो बैग से होना चाहिए वो बिना मानकों के सीमेंट की खाली बोरियों में पीली ईंट के रोड़े भर कर हो रहा है। इस खपलेबाजी में ठेकेदारों के साथ बीजेपी सांसद के प्रतिनिधि भी मोर्चा संभाल रहे हैं। सिंचाई विभाग के अधिकारी भी बेखौफ और जम कर खपला हो रहा है। अरे उसका आगे नहीं आई थी, इसको बताइए क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बताना भैया, कोई बात नहीं करनी है, किसी पत्रकार से हम बात नहीं करते हैं। अरे तो आप ये तो बताएंगे ना, टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। तो मतलब बिना टेंडर काम करा रहे हैं क्या आप लोग वहाँ पे? अरे हम बात ही नहीं करते हैं भाई, अब इससे आगे बात मत करिएगा, ठीक है? आखिरी अंतिम बात हमारी यही है कि हमको फोन न मिलाइएगा दोबारा। अच्छा सरकारी काम कर रहे हैं क्या, प्राइवेट काम करा रहे हैं? अरे हम प्राइवेट करें, सरकारी हमको फोन नहीं मिलाइए, हमसे बात न करिए, समय हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, बस इतना खाली समझिए। अरे वाह भाई, आप लोग घपले करें, हम बात भी ना करें? अरे घपला करते हो तुम यार, बेकार की बात करते हो। सनावा गांव के पास बकायदा असलहों के साए में खपलेबाजी का सारा खेल खेला जा रहा है। मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अवर अभियंता घनश्याम वाजपेयी, सरकारी मुलाजिम कम और माफिया ज्यादा नजर आ रहे हैं। यकीन नहीं होता तो जरा खुद ही उनका अंदाज देखिए कि किस तरह बेअदबी से मीडिया कर्मियों पर रौब छाड़ रहे हैं। कोई बात ना, हम जा रहे हैं, मैं लंच करना है यार, सुबह से परेशान है भाई। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर कुछ ना करो, क्वेश्चन आंसर वाली स्थिति में अभी हम नहीं है। ये हाल उन्हीं धर्मपाल सिंह के महकमे का है जो एलिग्न चरसरी बंधे की मरम्मत के नाम पर 300 करोड़ के घपले का आरोप पिछली सरकारों पर लगा चुके हैं। ये और बात है कि बाद में अपने बयानों से किनारा कर चुके हैं। ये सरकार झूठी सरकार है। इस सरकार ने कई बार साफ किया कि 2 लाख से ऊपर के जो भी टेंडर होंगे वो ई टेंडरिंग होंगे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद और उनके कार्यकर्ता ठेकेदारी पट्टीदारी में लूट कर रहे हैं, ये आपने जो घटना बताई है, तो स्वाभाविक है कि अगर इसमें सिंचाई मंत्री जी अगर शामिल नहीं है तो बिना ई टेंडरिंग के काम कैसे बढ़ गया? चूंकि तटबंध का काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है बाढ़ के लिए और 15 जून के पहले ही करना होता है, इसलिए ई टेंडरिंग की उस समय बहुत इम्पोर्टेंस नहीं थी। ट्रेंडिंग तो पहली सितंबर से लागू की गई है। कौन वहाँ काम कर रहा है, कैसे मिला है, ये दूसरी चीज है, लेकिन काम अच्छा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भीषण बाढ़ के बावजूद एल्गिन चसरी बांध पर कहीं कोई दिक्कत नहीं।
सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ विभाग के अधिकारियों ने भी नैतिकता से किनारा कर लिया है, तभी तो खुला खेल सिंचाई विभाग में चल रहा है। बाराबंकी से समाचार दस के लिए कामरान अलवी की रिपोर्ट। सिंचाई मंत्री धर्मपाल के जितने झूठ दिखाए जाएं कम है, समर्थकों के सामने शेख ही बगारते हैं और झूठी कहानियों पर खुद की पीठ थपथपाते हैं। हद तो यह है कि सच दिखाने वाले आईने पर भी सवाल उठाते हैं और खुद को पाक साफ बताते हैं। आखिर धर्मपाल कितने झूठ बोलेंगे? सिंचाई मंत्री धर्मपाल के कितने झूठ? ईमानदारी का चोला ओढ़कर पीते रहे बेईमानी का घी। योगी सरकार के एक मंत्री हैं, नाम धर्मपाल सिंह है। इनकी शख्सियत से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, नामी धर्मपाल है, लेकिन इनके कर्मों से सिंचाई विभाग में एक से बड़ा एक अधर्म होता रहा है। जब समाचार प्लस ने पोल खोली तो ईमानदारी का आडंबर करने लगे, चेहरे की धूल साफ करने के बजाय आईने पर ही आरोप लगाने लगे। अब हम सुधार रहे हैं तो एक चैनल हमारे पीछे पड़ गया। किसान का बेटा इतने बड़े बंगले से कैसे आ गया? वो मेरे पिताजी का तो है नहीं, जिस दिन जाऊंगा तो टैक्स उठाऊंगा चला जाऊंगा। घर पिताजी का नहीं है, फिर भी जनता के टैक्स के पैसे को लुटा रहे हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। ये मंत्री जरा हटके हैं, ईमानदारी का चोला ओढ़ते हैं, बेईमानी का घी पीते हैं। अब इनके झूठ कितने हैं, इनकी गिनती उंगलियों पर करना आसान नहीं है। यानी किस तरीके से आदमी कितना गिर जाता है, मतलब उनका जांच करा दी और उसमें वो कहीं है एक बात। अब उनका एक चैनल है तो चैनल के माध्यम से अपने निकाले पड़े सिंचाई मंत्री के खिलाफ। हमारा पिताजी का उसमें कुछ है नहीं। धर्मपाल के कितने झूठ? समाचार प्लस के किस व्यक्ति की जांच कराई? किस मामले में समाचार प्लस से जुड़े व्यक्ति की जांच कराई? इनके पास तो झूठ का पुलिंदा है और मंत्री बनने के बाद तो झूठ की छड़ी लगा दी। एरेस्ट फॉर्म पर बोला झूठ, नंबर बढ़ाने के लिए जांच में दिखाई जल्दी, 15 दिन में जांच का दावा फिर पलटे। चरसरी जांच को लेकर भी बुलबुला निकला मंत्री का गुस्सा। काफी बाढ़ नियंत्रण में 50 करोड़ रुपए की बंदरबांट। मंत्री धर्मपाल सिंह के गृह जनपद में करोड़ों का घोटाला हुआ। घर के घोटालों पर मौन रहे मंत्री धर्मपाल। 600 करोड़ का बजट बढ़ाकर कर दिया 2200 करोड़ रुपए। गोमती रिवर फ्रंट के आरोपी का कर दिया प्रमोशन। चहेते को HOD बनाना चाहते थे धर्मपाल। सरकारी आवास को बना डाला शीश महल। बरेली में कौन बनवा रहा है निजी महल? सरकारी आवास को शीश महल बना डाला मंत्री धर्मपाल ने। मंत्री ने झूठा प्रचार करवाया कि वो सरकारी आवास में रहते हैं। अब सवाल ये है कि लखनऊ में सरकारी आवास में रहते हैं तो बरेली में निजी महल कौन बनवा रहा है? CM योगी ने भी इनके झूठ को लेकर सवाल उठाए और फिर से निर्देश दिए। मंत्री आएगा तो एक मंत्री 4-5 साल रहेगा उस बंगले में। मैंने कहा क्या हम हर 5वें साल अपने पूरे मकान का उसकी टायर उखाड़ देते हैं क्या? पर्दे चेंज कर देते हैं क्या? वहाँ का पूरा फर्नीचर बदल देते हैं क्या? जब हम अपने घर में नहीं बदलते हैं तो कोई मंत्री कोई विधायक क्यों बदलेगा? उस पुराने का इस्तेमाल करो, ये फिजूल करके लोग, कोई नई गाड़ी नहीं आएगी, कोई बंगला वाइट वॉश के अलावा कुछ नहीं होगा। धर्मपाल के झूठ की कहानी अनंत है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी सच ना बोलें। सरकारी आवास पर इतना खर्च कर भी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का घर नहीं है। सवाल यही है कि सरकारी पैसा धर्मपाल क्यों सरकारी आवास पर बर्बाद कर रहे हैं? अब हम सुधार रहे हैं तो एक चैनल हमारे पीछे पड़ गया। किसान का बेटा इतने बड़े बंगले से कैसे आ गया? वो मेरे पिताजी का तो है नहीं, जिस दिन जाऊंगा तो टैक्स उठाऊंगा चला जाऊंगा। यानी किस तरीके से आदमी कितना गिर जाता है, मतलब उनका जांच करा दी और उसमें वो कहीं है एक बात। अब उनका एक चैनल है तो चैनल के माध्यम से अपने निकाले पड़े सिंचाई मंत्री के खिलाफ। हमारा पिताजी का उसमें कुछ है नहीं। मंत्री जी ने विभाग के आला अधिकारियों को भी अपना जैसा बना लिया है। इनके झूठ तो अब गिनने लायक नहीं रहे, लेकिन समाचार प्लस सच दिखाता रहेगा। लखनऊ से समाचार प्लस के लिए हरेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।